तो बात कर लेते हैं इस ट्रेन के किराए के बारे में। जय हिंद साथियों, मैं हूं शहनवाज और आप देख रहे हैं दी शहनवाज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं सीतापुर सिटी जंक्शन पर और आज आप सभी के लिए सीतापुर सिटी जंक्शन से लेकर बालामो जंक्शन के बीच में यात्रा का वीडियो लेकर आए हैं। तो फिलहाल हमारे सामने प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर खड़ी हुई है सीतापुर सिटी कानपुर सेंट्रल पैसेंजर ट्रेन। तो उसी ट्रेन से आज अपना सफ़र शुरू होगा सीतापुर सिटी से लेकर बालामो के बीच में। तो शुरू करते हैं जर्नी को और आप सभी को दिखाते हैं फर्स्ट जर्नी आपके अपने यूट्यूब चैनल दी शहनवाज पर। प्लेटफॉर्म संख्या 3 पर तैयार खड़ी है। क्या गाड़ी अपने निर्धारित समय 10:40 मिनट से कुछ समय लेट 10:50 तक सीतापुर सिटी से प्रस्थान करेगी। मिनट हो गया। तो दोस्तों 10:50 हो चुके हैं और हमारी ट्रेन का 10 मिनट लेट डिपार्चर सीतापुर सिटी जंक्शन से कानपुर सेंट्रल के लिए हो रहा है। तो दोस्तों फाइनली हम सीतापुर सिटी जंक्शन से निकल चुके हैं बालामो के लिए और काफ़ी अच्छी जर्नी आप सभी के लिए लेकर आने वाले हैं। तो आप लोग इस जर्नी को मिस मत कीजिएगा क्योंकि मेरे ख्याल से अभी तक किसी भी यूट्यूबर ने सीतापुर से लेकर बालामो के बीच में इस ट्रेन से सफ़र नहीं किया है, क्योंकि आज हम आप सभी के लिए इस ट्रेन से सफ़र का वीडियो लेकर आए हैं। तो इस वक्त हम सीतापुर सिटी जंक्शन से निकल चुके हैं बालामो के लिए। दोस्तों सामने आप सभी को सीतापुर सिटी जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जननायक एक्सप्रेस दिखाई दे रही होगी, जो कि यह ट्रेन अमृतसर से दरभंगा के बीच में चलती है। और इस वक्त हम सीतापुर सिटी जंक्शन के यार्ड में पहुंच रहे हैं। आप सभी को बता दें सीतापुर सिटी जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहां से एक रूट सीतापुर सिटी जंक्शन से सीतापुर जंक्शन की तरफ चला जाता है, दूसरा रूट सीतापुर सिटी जंक्शन से रोजा होते हुए शाहजहाँपुर की तरफ निकल जाता है, तीसरा रूट सीतापुर सिटी से बालामो होते हुए कानपुर की तरफ निकल जाता है। तो हमारी ट्रेन सीतापुर सिटी से बालामो वाले रूट पर प्रस्थान कर रही है। तो सामने सीतापुर सिटी जंक्शन के प्लेटफॉर्म से बाहर हमारी ट्रेन आ चुकी है, आप सभी को पीछे का भी दिखा रहे हैं। और आपको सामने काफ़ी बड़ा एक तालाब भी दिख जाएगा सीतापुर सिटी जंक्शन के यार्ड में शाहजहाँपुर बालामो की दिशा में। तो काफ़ी सुहाना मौसम है और काफ़ी मज़ा आने वाला है दोस्तों इस सफ़र में। तो हमारी ट्रेन सीतापुर सिटी से बालामो वाले रूट पर आ चुकी है और सामने आप सभी को डबल ट्रैक दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि सीतापुर सिटी से शाहजहाँपुर की तरफ चला जाता है। ये डबल ट्रैक है और सामने पीतपुर रेलवे क्रॉसिंग, जो कि यहाँ पर फ्लाईओवर बनना प्रस्तावित है। तो दोस्तों सामने आप सभी को आउटर पर ट्रेन आने के बाद कुछ लोग इस ट्रेन में चढ़ते हुए दिखाई दे रहे होंगे, देख सकते हैं ट्रेन सीतापुर सिटी के आउटर पर आ चुकी है और यहाँ पर कुछ लोग इस ट्रेन को आउटर पर पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ट्रेन को यहाँ पर रुकवा दिया गया है।
बात कर लेते हैं इस ट्रेन के किराए के बारे में, तो सीतापुर सिटी से लेकर कानपुर सेंट्रल के बीच में इस ट्रेन का किराया है 75 रुपये, वहीं सीतापुर सिटी से लेकर बालामऊ तक इस ट्रेन का किराया है 35 रुपये। यह ट्रेन आप सभी को सीतापुर सिटी से डेली सुबह 10:40 पर कानपुर सेंट्रल के लिए मिलेगी, और कानपुर सेंट्रल यह ट्रेन रात में 8:05 पर पहुँच जाएगी। तो सीतापुर सिटी से लेकर कानपुर सेंट्रल के बीच में यह ट्रेन 9:25 लेती है। इसकी दूरी लगभग 178 किलोमीटर के आसपास है। सीतापुर सिटी से लेकर कानपुर के बीच में बरसता बालामऊ। तो दोस्तों, 12 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम अपने पहले हॉल्ट रामकोट पहुंच रहे हैं, जो कि यहां का स्टेशन कोड है RAK। तो यहां पर कुछ निर्माण कार्य भी चल रहा है रामकोट स्टेशन पर। यात्रियों की संख्या भी अच्छी खासी है। सामने छोटी सी बिल्डिंग रामकोट स्टेशन की। और आप सभी को यहाँ पर जो टोकने वाला सिस्टम है वो देखने को मिल जाएगा। जिस तरह पहले मीटर गेज में टोकन दिए जाते थे, ठीक उसी तरह से यहाँ पर आप सभी को टोकन दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों, आप सभी को जो प्लेटफॉर्म है वो काफ़ी लो लेवल के देखने को मिलेंगे। देख सकते हैं काफ़ी लो लेवल के प्लेटफॉर्म बने हुए हैं इस सेक्शन पर। दोस्तों, आप सभी को इस ट्रेन का इंटीरियर दिखाते हैं। सामने खड़े हैं ब्लॉगर इस के ईश्वर सिन्हा, ये हमारे साथ में यात्रा कर रहे हैं इस ट्रेन में। तो ये है 04327 ट्रेन के अंदर का इंटीरियर का व्यू आप सभी को दिखा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से लोग इस ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा संख्या है यात्रियों की, लेकिन वही वाला हाल है कि ट्रेनें बहुत कम हैं, लेकिन यात्रियों की संख्या आप सभी को देखने को मिल जाएगी सेक्शन पर। हर तरफ आप सभी को यात्री सीट पर बैठे हुए नज़र आ रहे होंगे, और यहाँ पर आप सभी को हैंड वॉश करने के लिए पानी भी मिल जाएगा। और यहाँ सामने लगा हुआ मिरर, और ये टॉयलेट पैसेंजर ट्रेन का, जो कि काफ़ी साफ़ सुथरा है। दोस्तों, 24 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम अपने तीसरे हॉल्ट मिश्रिक तीर्थ पहुंच रहे हैं। तो सामने प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर मिश्रिक के हमारे ट्रेन का आगमन होता हुआ, तो काफ़ी अच्छे खासे यात्री आप सभी को यहां पर भी देखने को मिल जाएंगे। यात्रियों की काफ़ी संख्या है मिश्रिक स्टेशन पर, और यहाँ पर भी एक नई बिल्डिंग का निर्माण कार्य चल रहा है आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों, हमारी ट्रेन मिश्रिक तीर्थ स्टेशन पर खड़ी हुई है, और यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है और नंबर ऑफ ट्रैक 2 हैं। तो कुछ इस तरह से मिश्रिक स्टेशन दिखाई देता है। क्या हुआ? दोस्तों, 29 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम पहुंच चुके हैं घोरी हॉल्ट पर। ये 5वां हॉल्ट है हमारा सीतापुर सिटी से।
गाड़ी चला रहा हूँ भाई। ओम दोस्तों, आप सभी को एक जानकारी और दे दें, नेमी सारण से वाया हरदोई होते हुए फारुखाबाद के लिए नई रेल लाइन भी प्रस्तावित है। तो सामने देख सकते हैं ये बालामुखी दिशा हो गई है और प्लेटफॉर्म नंबर 1, प्लेटफॉर्म नंबर 2 व 3 नेमी सारण स्टेशन का। दोस्तों, 34 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम पहुँच चुके हैं नेमी सारण रेलवे स्टेशन पर, जो कि काफ़ी बड़ा पावन तीर्थ स्थल है हमारे हिंदू भाइयों का, जैसा कि आप लोग जानते हैं। लेकिन अगर हम बात करें इस सेक्शन पर ट्रेनों की, तो मात्र 2 जोड़ी ट्रेनों का संचालन हो रहा है इस सेक्शन पर। एक ट्रेन सीतापुर जंक्शन से लेकर बालामो जंक्शन के बीच में, दूसरी ट्रेन सीतापुर सिटी जंक्शन से लेकर कानपुर सेंटर के बीच में, जिस ट्रेन से हम आज सफ़र कर रहे हैं। तो इस सेक्शन पर रेलवे को ट्रेनों की संख्या बढ़ानी चाहिए, साथ में इस स्टेशन का भी विकास करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी बड़ा पावन तीर्थ स्थल है नेमी सारण रेलवे स्टेशन। दोस्तों, हमारे ट्रेन का नेमी सारण रेलवे स्टेशन से डिपार्चर हो चुका है, तो आप लोग इस सफ़र को एंजॉय करते रहिए। नेमी सारण से निकलते ही कुछ दूरी पर आप सभी को गोमती नदी के पुल का दीदार देखने को मिलेगा। तो हमारे ट्रेन गोमती नदी के पुल से गुजर रही है, जो कि इस पुल की हाइट काफ़ी ज़्यादा है रेलवे ट्रैक से, उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं एक यात्री किस तरह से स्टंट करता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि यह स्टंट आपकी जान ले सकता है। तो ऐसा अगर कहीं पर हो रहा है तो प्लीज़ आप लोग उसको रोकने की पूरी कोशिश करें। दोस्तों, 41 किलोमीटर की जर्नी कवर करने के बाद हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है बेनीगंज स्टेशन पर। आप सभी को बता दें, बेनीगंज स्टेशन हरदोई ज़िले में आता है, निमसार के बाद बेनीगंज आता है, जो कि निमसार तक सीतापुर ज़िला लगता है, उसके बाद हरदोई ज़िला चालू हो जाता है। तो इस वक्त हम पहुँच चुके हैं सीतापुर ज़िले से हरदोई ज़िले में। तो आप सभी को आज हम पूरा ब्लॉग दिखा रहे हैं सीतापुर सिटी से लेकर बालामुख के बीच में इस ट्रेन से जर्नी के दौरान। वाह, क्या लोकेशन है यार। तो भैया, 47 किलोमीटर की जर्नी कवर करने के बाद हम पहुंच चुके हैं अटवा मुठिया हॉल्ट पर। तो कुछ इस तरह से अटवा मुठिया हॉल्ट दिखाई देता है। आप सभी को पूरे प्लेटफॉर्म पर घास ही घास नज़र आएगी, एकदम जंगलों से भरा हुआ ये प्लेटफॉर्म है अटवा मुठिया हॉल्ट का। और दोस्तों, काफ़ी अच्छी लोकेशन पर ये हॉल्ट मुझे देखने को लगा। लेफ्ट हैंड पर आप सभी को रोड दिख जाएगी और पास ही में रेलवे ट्रैक है और यहीं पर हॉल्ट बना हुआ है। तो काफ़ी अच्छी लोकेशन है इस हॉल्ट की। लेकिन अगर हम बात साफ़ सफाई की करें तो एकदम जीरो है। आप सभी को पूरे प्लेटफॉर्म पर घास ही घास, जंगल ही जंगल नज़र आ रहा होगा। दोस्तों, अटवा मुठिया हॉल्ट पर हम लोग खाने के लिए समोसा यहाँ पर ले रहे हैं और सामने हमारी ट्रेन खड़ी है। तो काफ़ी अच्छी लोकेशन है इस हॉल्ट की, क्योंकि पास ही में रेलवे स्टेशन है और जस्ट पास में छोटी सी मार्केट है अटवा मुठिया हॉल्ट के पास। दोस्तों, 50 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम पहुंच चुके हैं अरसैनी हॉल्ट पर। तो अरसैनी हॉल्ट की भी लोकेशन काफ़ी ठीक ठाक है। सामने आप सभी को हमारी ट्रेन नज़र आ रही होगी,
और इस वक्त हम खड़े हैं एक छोटे से बाग में, यहाँ पर काफ़ी सारे पेड़ लगे हुए हैं और पास में ही अर्सेनी हॉल्ट है। सामने आप सभी को टिकट काउंटर के लिए छोटी सी बिल्डिंग मिल जाएगी अर्सेनी हॉल्ट की। दोस्तों 55 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम पहुंच चुके हैं गाजू हॉल्ट पर। आप सभी को बता दें गाजू हॉल्ट से 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है बालामऊ जंक्शन, और सीतापुर सिटी जंक्शन से लेकर बालामऊ जंक्शन तक हम सफ़र भी कर रहे हैं इस ट्रेन में। तो कुछ इस तरह से गाजू हॉल्ट दिखाई पड़ता है। आप सभी को बता दें इस सेक्शन पर जितने भी हॉल्ट या स्टेशन हैं, हमने आप सभी को हर एक हॉल्ट का व्यू दिखाया है। काफ़ी यात्री इस रेलखंड पर यात्रा भी करते हैं, लेकिन ट्रेनों की कमी होने के कारण यात्रियों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना झेलना पड़ रहा है। दोस्तों हमारी ट्रेन को बालामऊ के आउटर पर कॉलिंग ऑन सिग्नल के लिए खड़ा कर दिया गया है, और सामने आप सभी को दूर पर लखनऊ दिल्ली वाला जो मेन रूट है वो दिख जाएगा। आप सभी को बता दें बालामऊ 4 रूट का जंक्शन है। बालामऊ से एक रूट सीतापुर सिटी, दूसरा रूट शाहजहाँपुर, तीसरा रूट लखनऊ और चौथा रूट उन्नाव की तरफ निकलता है। बालामऊ जंक्शन उत्तर प्रदेश के हरदोई ज़िले में आता है। दोस्तों सामने दिल्ली की तरफ से ट्रैक बालामऊ जंक्शन की तरफ जाता हुआ आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। ये हमारी मेन लाइन है लखनऊ दिल्ली। सामने टावर वैगन सेट बालामऊ जंक्शन पर बनाया जा रहा है। तो आज आप सभी को जर्नी के दौरान बालामऊ की भी थोड़ी बहुत अपडेट दे रहे हैं। तो फाइनली हम पहुंच रहे हैं बालामऊ जंक्शन पर, हमारी ट्रेन का अराइवल होने वाला है। और सामने आप सभी को एक और रूट दिखाई दे रहा होगा, जो कि यह रूट कानपुर से आता है। इसी रूट पर अभी हमारी ट्रेन चली जाएगी। यहां पर बालामऊ जंक्शन पर हमारी ट्रेन का लोको रिवर्स होगा, यानी कि रैक का डायरेक्शन बदला जाएगा, और फिर हमारी ट्रेन जो आप सभी को दूर पर ट्रैक दिखाई दे रहा है उसी ट्रैक पर उन्नाव होते हुए कानपुर की ओर निकल जाएगी। तो बालामऊ जंक्शन के प्लेटफार्म नंबर 4 पर सीतापुर सिटी कानपुर पैसेंजर ट्रेन का आगमन होता हुआ। तो दोस्तों देख सकते हैं कुछ इस तरह से बालामऊ जंक्शन का प्लेटफार्म नंबर 4 और स्टेशन का व्यू। तो दोस्तों फाइनली सीतापुर से बालामऊ के बीच में 60 किलोमीटर की हमारी यात्रा समाप्त हो चुकी है, और आज हमने आप सभी को 04327 सीतापुर सिटी कानपुर सेंट्रल पैसेंजर ट्रेन से बालामऊ तक पूरी जर्नी दिखाई अपने यूट्यूब चैनल दी शहनवास पर। और अब हमारी ट्रेन का जहां पास लोको रिवर्स होगा, और फिर हमारी ट्रेन लोको रिवर्स होने के बाद बालामऊ से दोपहर के 3:05 पर कानपुर सेंट्रल के लिए चली जाएगी। दोस्तों उम्मीद है आप सभी को ये जर्नी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, लोगों में शेयर कीजिएगा। अगर पहली बार हमारे चैनल दी शहनवास पर आ रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल दी शहनवास को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।